निफ्टी में कर लो ना, मैं भी अभी तक MCX कर रहा था, आज से मैंने निफ्टी शुरू करी है। लेकिन जहाँ पैसा मिले कर लो काम, क्या दिक्कत है। आ जा मेरे दोस्त, आ जा, आ जा इधर, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। हाँ अच्छा, ये जो गुमसुम चुपचाप बैठे रहते हैं ना, ये बहुत बड़ा काम करते हैं। आज नहीं, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे भाई, बस खुश रहो भाई। क्या करते हो आप, माइक दो जरा। स्टूडेंट हूँ सर, ग्रेजुएशन हुआ है। ग्रेजुएशन हुआ है, अच्छा। और जब यहाँ पर आए थे क्या सोच के आए थे सर? ये मेरे को, मैंने यूट्यूब में पे सर, मैं टिप पेसिस पे ट्रेड करता था। अच्छा। फिर मैंने 40,000 कमाया भी, कमाया भी। फिर मैं पिछले 3 महीने से ट्रेंड लाइन पे काम कर रहा हूँ। अच्छा। इसमें मैं कैसा रहता था, मेरे पास फंड नहीं था, फिर मैं ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करता था। फिर मैंने मेरी एक्यूरेसी चेक किया, ये चलता है क्या, तो मेरा 70% एक्यूरेसी रहा। अच्छा, ट्रेंड लाइन पर 70% एक्यूरेसी था। हाँ, तो अच्छा। मैंने फिर उस बेसिस पे काम किया पिछले 3 महीने। हाँ। फिर 3 महीने काम किया, फिर मैंने देखा कि कॉल पुट क्या होता है, पूरा मैंने वो बनाया। हाँ। फिर आपका जैसे वीडियो आया, तो मैंने हाँ। पिछले 25 बेच से हाँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ आने को, मैंने आपको मैसेज भी किया था। अच्छा। फिर आपने सीन किया, फिर मैं उस टाइम पे मैंने लिखा था मैं पैसे अरेंज कर रहा हूँ, मैं आता हूँ। आपने सीन किया, फिर उसका कोई रिप्लाई नहीं है। फिर 26 बैच में मैंने वापस से बोला, फिर मेरे को वापस से एंट्री नहीं मिला उसमें। फिर 27 बैच के लिए मैंने किधर से भी पैसा 54,000 किया। हाँ। उसमें 30,000 मैंने टिप बेसिस पे कमाया था वो टाइम पे, वो मैंने रख के रखा था। फिर 20,000 मैंने घर वालों को बोला, मेरे को फॉर्म वॉर्म के चाहिए, मैंने MBA करने का है मुझे 20,000। वो 4,000 मैंने मेरे दोस्त से लिया, 54,000 रजिस्ट्रेशन करवाया। फिर बाकी का 1.5 लाख वो मैंने अरेंज अदर जगह से किया था। अच्छा। फिर मैं इधर आया, फिर भैया मुझे मिले, फिर हम 3 दिन से ट्रेड मार रहे हैं। आपके फॉर्मूले पे मेरे को 3 ट्रेड मिला, तीनों का एक्यूरेसी 100% है। अच्छा, आपकी जो स्टोरी है ना, ये सेम मेरे जैसी है। जब मैंने रिसर्च सीखा था, मैंने भी ऐसे ही पैसा अरेंज किया था। तो आपके पास क्या ट्रेड करने के लिए पैसा था? मेरे पास हाँ नहीं सर, मेरे पास कैसा, मैं दोस्त का फंड लेता था। दोस्त का फंड ना, तो मेरे पास भी नहीं था। मैं भी, मेरा एक बनिया दोस्त था, उसको बोलता था एक लोट मेरा लगा दे। पहले ज्ञान लेना होता है, उसके बाद में आगे बढ़ना चाहिए। जो इस सोच से यहाँ पर आता है ना, वही कमाता है। लेकिन जो इस सोच से आ गया कि मैं जाऊँगा सेमिनार में और लाइव ट्रेड लूँगा और मैं यहाँ लखपति बन के आ जाऊँगा, तो ये नहीं होगा। हाँ जी, इनके लिए ताली बजा दो जी। दुबई चल रहे हैं, ठीक है, तुम्हें मैं फाइनेंस करूँगा। और 1 महीना सिर्फ पेपर ट्रेड चाहिए मुझे, ठीक है। काम कुछ नहीं करोगे तुम, अभी जोश में नहीं आना कुछ नहीं, काम नहीं, सर, ये जो आ रहा है ना अभी, इतना बढ़िया बढ़िया दिख रहा है, एक ट्रेड लग गई ना तो वो जो तुम्हें समझना चाहिए वो समझ नहीं आएगी। बस 20 दिन कम से कम ऐसा कर लेना, लेके मैं चलता हूँ। सर मैंने भैया को भी आज ये बोला कि मैं हाँ। पेपर ट्रेड करता है, तो भैया ने बोला कि फॉर्मूला बेटर है। मैंने बोला बिल्कुल बेटर है, कल वाले फॉर्मूले पे नीचे बैठ रहा था। मैंने इनको बोला था आप एग्जिट मत करो, अभी TRS बना ही नहीं है ऊपर। हाँ। उन्होंने बीच में ही एग्जिट कर दिया था। बस वो जो पेशेंस की दवाई है ना, वो कहीं नहीं मिलती। मैं बनाने की कोशिश करूंगा, बहुत ज्यादा आने वाला था, पर इन्होंने TRS का वेटिंग नहीं किया। आज सर, आज भी सर TRS ऊपर बना था, हमने 3 कॉल किया था। ट्रेंड लाइन पे तो 2 तो ब्रेकआउट का था, जो मेरा पर्सनल प्रीवियस एक्सपीरियंस था। बाकी मेरे को 1,001 टक का इतना पता था ये फॉर्मूला काम करेगा इधर। मैंने इनको पहले ही बोल दिया था कि आप जितना लॉट डाल सकते हो ना, आप ये है आपके, उससे आधा डाल दो। इन्होंने वो ही किया, फिर इन्होंने वापस से पहले ही जल्दी एग्जिट कर दिया। नहीं, जल्दी एग्जिट कर दिया सर। आप देखो अभी यही प्रॉफिट बहुत दिख रहा है। अभी मैंने बोला कि सर बहुत दिख रहा है। हाँ सर के हिसाब से अगला ट्रेडिंग जो भी करने का है ना, वो सर के हिसाब से करने का है। इसी पर ट्रेड करते चलो, 20 दिन एक बार पेपर पे ट्रेड करो। अगर आपने 1,00,000 रुपये लगाया है और 20 दिन आपने ट्रेड कर लिया, वो 1,00,000 का डबल जरूर हो जाएगा, पक्का है ये। कोई भी कॉल फेल नहीं होगी, एक आधी फेल होगी तो होने दो ना भाई, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बनेगा। हाँ। चालू गाड़ी में बैठने का कुछ मतलब नहीं बैठना। मैं चालू गाड़ी में दोपहर को बैठा, 5 लॉट नेचुरल गैस के सेल डाले। हाँ। तो अभी आप बोले एवरेज, इसलिए हमने इसमें डाले। आप बोलते बाय कर लो तो हमें पोजिशन फिराना पड़ती थी, आप बोले इसलिए हमने ज्यादा लॉट डाल दिया। नहीं मैंने तो नहीं बोला, कब बोला मैंने? अच्छा अभी के लिए, अच्छा तो आपने ज्यादा लोड डाल दिए। अरे यार ऐसे मत किया करो आप लोग ना। अभी आप बोले ना कितना भी डालो, एक मैंने ये कहा कि कितना भी डालो मैं 1 लोड का हिसाब करूंगा, और आपने कितनी भी डाल दी, मुझे देखना पड़ेगा यार क्या रेट चल रही है। नीचे, 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 हाँ तो
कॉल तो अपनी है ना, गुरुजी की कॉल है। चलेगी चलो, डायलॉग है ना आपका, गुरु गुरु ही है। सर और एक बोल सर, मैं ज़्यादा भी लॉट डालता हूँ लेकिन मेरे को डर के आगे जीते इतना मालूम है पहले से, मैं लाइफ में जीरो से मैं भी इतना आज तक बना हूँ, जो भी हो आज तक जीरो से। भगवान करे सब। हाँ जी, फॉर्मूला जो है ना बैंक निफ्टी पे भी 100% काम करता है। मैंने पिछले 20 दिन में से देखा जिधर जिधर ये बना फॉर्मूला, सर रैली एक नंबर है इसमें। अच्छा, जब तक TRS नहीं बनता तब तक नहीं निकलने का इफेक्ट है। मैं ये बोलता हूँ कुछ नाराज होते हैं, कुछ ये होते हैं, लेकिन मार्केट है बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा समुंदर है मार्केट का, उसमें एक लॉट दो लॉट एक ट्रेड बस गया, ये हो गया, उससे लाइफ में आपने अपनी गलती से कितने ट्रेड आज तक मारे और फंस गए, तो एक ट्रेड फंस गए तो उसमें ये इतना होने की गरज नहीं, पेशेंस रखना चाहिए। SL सर जो बोले SL 100% जरूरी है, जो मैंने नहीं लगाया था, लेकिन अभी ये बंदा भी बोला कि स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, ऊपर जाता है तो, और नीचा पुणे बाइंग किया तो या सेल किया तो SL लगाना 100% जरूरी है। आज सर 38,500 के इसमें रेजिस्टेंस पे 15 मिनट का जो है वो कैंडल बना, तो 30 मिनट का कैंडल बना, वो बोल रहा था, ये बोल रहा कि मारो कितना मारने का है, 5,000 समझो हम मार बैंक निफ्टी का PE बाई करते तो 500 पॉइंट सर नीचे आ गया है, उसमें से 25 लाख ओनली 20 मिनट में हो जाते थे, लेकिन अभी हमने 10 लाख रुपए कमाए, इसलिए ये भी सोचा कि अब अपन इतना अभी स्टार्ट ही हुआ है, कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ये जो 10 लाख आपने कमाए ना सर, ये जो एक इंजीनियर होता है ना, जब वो नौकरी लगता है, समझो सर 4 साल उसने काम किया, नौकरी लगने के बाद उसका पैकेज कितना होता है, 3 लाख का साल का। सर हमारे जो एक पार्टनर है वो भी बोले कि वो भी थे हमारे साथ, वो बोला कि एक साल का गवर्नमेंट सर्वेंट का भी इनकम इतना नहीं रहता है। आप एक दिन में निकाल रहे हो भाई, बहुत बड़ी बात है। हम खाना खाने के लिए 3:30 बजे आ गए सर, सब मार्केट क्लोज करके हम रूम में बैठे थे दिन भर, ये बोले थे कि आपने कुछ निकाला, हम बोले आज कुछ बताने का नहीं, कुछ करने का नहीं बात, लेकिन आप उन सरल आदमी है तो अपने को बताना पड़ेगा ही। अच्छा ये बताओ, ये BTech BBA BCA MTech ये करना चाहिए कि ये कोर्स करना चाहिए? सर मैं पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। हैं, कंफर्म हो गया मेरा? पढ़ाई छोड़ रहे? मैंने ग्रेजुएशन की है, मैंने कैट फाइट किया था, मेरे 50% आए थे। हाँ। मेरे मम्मी ने बोला देख तू क्या करेगा पढ़ने का है, तो मैंने किधर से, मैं बताया ना अभी पैसा अरेंज किया मेरे को इधर आने का है, अभी मेरे को मम्मी बोलती है कि तू कितने का क्या कोर्स कर रहा है क्या है, मैंने बोला सिर्फ 30,000 का कोर्स है, उनको बताऊंगा 2 लाख का है तो पहले स्टॉक मार्केट में पाप लग जाएगा, ऐसा सही है ये। उसको भी बोला ये आपके साथ नहीं आएगा सर, दुबई में तो ये इधर ये MCX लाइव रिसर्च के साथ जाएगा। हाँ, और आप भी इनके साथ आ जाओ, जो जो हीरा बनेगा वो इधर आ जाएगा, ये हीरे है मेरे ये। हाँ, यहाँ मेहनत करो, इस चीज़ को पकड़ लो, तुम अगर अपना कुछ काम करोगे बिना इतना नहीं कमा पाओगे जितना यहाँ पर आके कमा लोगे, बस अपना टैलेंट दिखाओ और अपने टैलेंट के हिसाब से वो चीज़ ले जाओ जो आप पूरा जोर लगा लोगे ना तब भी नहीं मिलेगा। 20,000 करोड़ का टारगेट है। yes, तो 20,000 करोड़ में जब टीम आएगी तो वो भी तो कुछ लेके जाएगी। 100%, बस मेहनत करो और आ जाओ। okay. अपनी ऐसी एक्यूरेसी निकालो और आ जाओ। ठीक yes, है बच्चे, तू तो डन है दुबई के लिए। yes, okay. चलिए, खुश रहो जी, खुश रहो भाई।